अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सबसे पहले नैनीताल हाईकोर्ट की, जहां पर विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के मामले में याचिकाकर्ता और विधानसभा सचिवालय ने साल 2000 से 2021 तक किसके कार्यकाल में कितनी नियुक्तियां हुई उसकी वर्षवार रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि 3 सप्ताह के भीतर कोर्ट को ये रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से पेश करें। मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। दरअसल देहरादून के अभिनव थापर ने जनहित याचिका दाखिल कर विधानसभा में पैटोर भर्ती में हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की है और याचिका में कहा गया कि विधानसभा द्वारा 2016 से भर्तियों को निरस्त कर दिया गया, लेकिन राज्य बनने के बाद आज तक ऐसा ही चलता रहा है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अपने करीबियों की नौकरी लगाने वाले मंत्री अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ने विधानसभा से और याचिकाकर्ता से यह कहा है कि हम एक शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करें, जिसमें जो उच्च अधिकारी हैं और जो पीठासीन लोग हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, विभिन्न मुख्यमंत्री रहे हों 2001 से 2023 तक, जब ये तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं जिन लोगों ने करी हैं और 6 फरवरी 2003 का ऑर्डर का वायलेशन किया है, उनको हम आइडेंटिफाई करें और माननीय उच्च न्यायालय को बताएं और इसकी अगली पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं कल यानी कि शनिवार हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया। यहां बारिश से नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम के द्वारा इन जिलों के डीएम को पत्र भेजकर अलर्ट किया गया कि हरिद्वार में बाणगंगा, पिथौरागढ़ में धौलीगंगा और नैनीताल में कोसी बेतालघाट नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और जिला प्रशासन ने कहा है कि वो अलर्ट मोड पर रहे। किसी भी अधिकारी कर्मचारी के फोन स्विच ऑफ नहीं रहने चाहिए। सभी चौकी थाने आपदा संबंधी उपकरणों के साथ हाई अलर्ट पर रहें। इस दौरान हाई एल्टीट्यूड एरिया में टूरिस्ट परमिशन बंद रखने के भी निर्देश दिए गए। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर कुमाऊं के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यहां बरसाती नदियां और रपटे तूफान पर हैं। शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के कारण हल्द्वानी से चोरगलिया रोड पर बहने वाला शेर नाला अपने पूरे उफान पर है। इस नाले को पार करने की कोशिश की लखीमपुर खीरी के कार सवार 3 पर्यटकों ने, लेकिन उनकी कार इस नाले की चपेट में आ गई। हालांकि पर्यटकों ने आनंद फानंद में कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उनकी कार थोड़ी ही देर बाद इस नाले की चपेट में आ गई और ताश के पत्ते की तरह बहने लगी। पहाड़ों में बारिश किस तरीके से आफत पैदा करती है तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। बाइक सवार बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी बाइक को लकड़ी की बल्ली के सहारे एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा रहे थे। तस्वीर नंदनगर घाट केसुतोल कनोल मोटर मार्ग की है, जहां पर बरसात के बाद में सड़क पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और बरसाती नाला सड़क पर बह रहा था। ऐसे में लोग लकड़ी की बल्ली लगातार नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। पिथौरागढ़ में बारिश के दौरान आए दिन पहाड़ियां दरक रही हैं। बॉर्डर तहसील धारचूला के नया बस्ती के पास में बड़े बड़े बोल्डर्स पहाड़ी से भरभरा कर नीचे गिर गए, जिस कारण रोड तो बंद है, साथ ही 12 केवी की बिजली की लाइन भी टूट गई। बिजली की लाइन टूटने से बलुआकोट इलाके में सप्लाई ठप हो गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि कांवड़ यात्रियों को घंटों जाम में परेशान होना पड़ रहा है। धरासू के पास काम कर रही कंपनी के द्वार पहाड़ी को बेतरकीब काटे जाने से सड़क बार बार बंद हो रही है, तो वहीं बारिश के दौरान कांवड़ यात्री और यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है। प्रभावित इलाकों में कंट्रोल रूम संचालित किए गए हैं, तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जहां जहां भी बंद हो रहा है उसे समय रहते खोलने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं छिनका के पास बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है और हल्की और बारिश भी हो रही है, और साथ ही मलबा सड़क पर गिर रहा है और हाईवे बाधित हो रहा है। को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा कई सावधानियां बरती जा रही हैं। जैसे जो भी हमारे भूस्खलन जोन है, रिस्क जोन है रोड पर, वहां पर मशीनें तैनात हैं। हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियां भी अलर्ट मोड पर हैं। उनके द्वारा भी अपने उपकरणों का समय समय पर चेकिंग की जा रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के सामने हाईवे के फ्लाईओवर कर अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया और लगातार हो रही बारिश के चलते हाईवे को जमीन भी धस गई, जिससे कि कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस समय हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और ऐसे में हाईवे पर ये गड्ढा हादसों को दावत दे रहा है। और चमोली के सीमलसैण गांव में बारिश के बाद में अचानक एक पेड़ टूट गया, तो वहीं पेड़ गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त मकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बागेश्वर के रावत सेरा के जंगल में पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने चोटिल गाय का रेस्क्यू किया और गाय 3 दिन पहले खाई में गिर गई थी। लोगों ने गाय को निकालने की काफी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और गाय को डंडे से बांधकर पशु चिकित्सालय भी पहुंचाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू के दौरान की। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 33 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में पीपीपी मोड पर एयर स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन को मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों के 2364 पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति की जाएगी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए एक्ट बनाया जाएगा और भूमि व्यवस्था अधिनियम में भी संशोधन किया गया। अब हाउसिंग और खेल गतिविधियों के लिए जमीन खरीदी जा सकेगी। अभी तक कृषि और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए परमिशन दी गई थी। इसके साथ ही गंगा किनारे 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना भी चलाई जाएगी। ये जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों को संचालित किए जाने के संबंध में पर्यटन विभाग ने अनुमति मांगी थी। इसमें भी हमारा पीपीपी के माध्यम से किया जाएगा और ये 15 वर्ष की अवधि के लिए इसको पीपीपी में देने का प्रस्ताव था, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। तो इस पे भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई। राजधानी देहरादून में शुक्रवार से निनाद उत्सव का आगाज हो गया है। 7 से 10 जुलाई के बीच में चलने वाले उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया में अलग पहचान बनाने का काम उत्तराखंड के नौजवान कर रहे हैं और शुक्रवार से शुरू हुए निनाद उत्सव में साहित्य और लोक भाषा पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी की गई। इस दौरान लोक संस्कृति विरासत से जुड़े कलाकार भी प्रस्तुति देने पहुंचे। कार्यक्रम में कलाकार पवनदीप राजवन, नरेंद्र सिंह नेगी और हेमा मालिनी ने भी शिरकत की। निश्चित रूप से इसमें अनेकों जो कलाकार यहां पर आने वाले हैं, हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए कलाकार भी आने वाले हैं और देश दुनिया में जिन्होंने नाम किया है वो सभी कलाकार 3 दिनों तक लगातार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। हमारे यहाँ के लोक कलाकार भी उसमें भाग लेने वाले हैं और ये केंद्र उद्घाटन होकर और इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में, उन सभी को एक बड़ा स्थान यहाँ पर प्राप्त होगा और
बड़े स्थान के साथ साथ एक अवसर भी सभी को मिला। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि राज्य में जितनी भी हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, भले वो लोक कलाओं के क्षेत्र में हो, लोक साहित्य के क्षेत्र में हो, फिल्मांकन के क्षेत्र में हो और या लोक नृत्य लोक नाटिका के क्षेत्र में, उसको बढ़ाने में ये सेंटर एक अहम योगदान अदा करेगा और राज्य के सभी कलाकारों को इसका लाभ मिलेगा। चमोली के साथ ही विभिन्न जिलों में जनशक्ति को ऑपरेटिव सोसायटी के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने सोसायटी के अध्यक्ष और धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के द्वारा जनशक्ति सोसायटी शाखा खोलकर आरडी और एफडी पर बेहतर ब्याज देने का लालच देकर लाखों की धनराशि एकत्रित की गई, जिसके बाद वो फरार हो गया। वही मामले में सोसायटी के अध्यक्ष और मुख्य आरोपी कपिल देव राठी को पुलिस की टीम ने क्राइम ब्रांच दिल्ली की मदद से बकरवाला नई दिल्ली से गिरफ्तार किया। जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज सोसाइटी के नाम से धोखाधड़ी की गई। सोसाइटी के माध्यम से लोगों से पैसा लेके धोखाधड़ी का दमन हुआ था। इस संबंध में थाना विभिन्न थानों में चार मुकदमे हमारे यहाँ कायम है। उसका जो मुख्य अभियुक्त है कपिल देव राठी, ये काफी समय से फरार चल रहा था, उसका नाम भी था। कल हमारे चमोली पुलिस आए और दिल्ली की क्राइम ब्रांच के अरेस्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज हुई फिल्म नियत को उत्तराखंड की रहने वाली अद्विता काला ने लिखा है। अद्विता पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर इस फिल्म पर काम किया। और अनु मेनन डायरेक्टर हैं, उनके साथ हमको हमारा संपर्क हुआ और फिर कोविड का समय ऐसा था जब हम लोग सब बंद थे कमरों में, तो लगा कि ऐसे बंद कमरे वाली या बंद घर वाली कोई ऐसी मर्डर मिस्ट्री लिखे जहां मल्टीपल किरदार हैं और एक का खून हो जाता है और वो खून किसने किया। तो नियत की कहानी इसके इर्द गिर्द ही घूमती है और मेरा विश्वास है कि लोगों को आखिर में जो ट्विस्ट होता है कहानी का वो बहुत पसंद आएगा। और हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में पुलिस की सेवा को यादगार बनाने के लिए पुलिस ने कांवड़ियों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया, जहां पर रुक रुक कर कांवड़ी ये सेल्फी ले रहे हैं। और शंकराचार्य चौक के पास में कांवड़ पटरी पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट का एसएसपी अजय सिंह ने उद्घाटन किया। इस दौरान एसएसपी ने कई कांवड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। उन्होंने कहा कि हरिद्वार पुलिस कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा में तत्परता से काम कर रही है। अपनी हरिद्वार यात्रा और पुलिस की सेवा को कांवड़िए फोटो के रूप में सहेज सके, इसके लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया। अब आपको दिखाएंगे पहाड़ से जुड़ी 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में जमकर बारिश हुई, मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। बागेश्वर में भी जमकर बारिश हुई, वहीं तेज बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं कई जगह पर जलभराव हुआ। देहरादून में भी जमकर बारिश हुई, बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली लेकिन कई जगह जलभराव भी हुआ। अल्मोड़ा में कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ कमेटियों के गठन का निर्देश दिया गया। राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में सैकड़ों मूर्तियों को देहरादून राज्य स्तरीय संग्रहालय में ले जाने पर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार पहाड़ से सभी दफ्तरों को मैदान में ले जा रही है। बागेश्वर के जिला क्रीड़ा अधिकारी सीएल वर्मा अपने कमरे में मृत पाए गए, जब वो देर तक दफ्तर नहीं पहुंचे तो स्टाफ उन्हें बुलाने पहुंचा जब उसकी जानकारी ली। उत्तराखंड में हिमालय की 11 चोटियों के नाम अब उन लोगों के नाम पर रखे जाएंगे जिन्होंने पिछले साल द्रौपदी के डंडा में आए अवलॉन्च में अपनी जान गंवाई। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियों को तेज कर दिया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस ने अल्मोड़ा में केंद्र सरकार पर पुतला फूंका और जमकर आरोप लगाए, नारेबाजी की। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने करीब 8 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मोबाइल टेस्टिंग वैन से पनीर को जांच के लिए भेजा।